दोस्तों न्यूज चैनल्स और मास मीडिया को इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि मीडिया एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हमारे देश के घोटाले, कुछ घूसखोर अफसर और देश में होने वाली अलग अलग घटनाओं को हमारे तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसे लोग हमारे सामने आए हैं जो हर एक मौके पर चिल्ला चिल्ला के ये बोलते हैं कि हमारे देश के कुछ न्यूज चैनल्स एज एन पेड मीडिया काम करते हैं। अब ऐसे में इसका सीधा असर मास मीडिया पर पड़ रहा है, और जो देश का युवा पूरी शिद्दत के साथ मास मीडिया की लाइन में अपना करियर बनाने की सोच रहा है, उसके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। तो आज आप सभी को मोटिवेट करने के लिए हम हमारे देश के 6 ऐसे रिपोर्टर्स को लेके आए हैं जिन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करते हुए अपने आप को बनाया है सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाली शख्सियत। नंबर 6, अंजना ओम कश्यप। आज तक न्यूज चैनल की स्टार रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप अपने बेबाक अंदाज और अपने सवालों से घोटाला करने वाले व झूठे नेताओं के पसीने छुटाने के लिए फेमस हैं, और वास्तव में इस देश को अंजना ओम कश्यप जैसे स्टार रिपोर्टर्स की जरूरत भी है। दोस्तों अंजना ओम कश्यप ने मास मीडिया में डिप्लोमा किया गया है। दोस्तों अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो अंजना ओम कश्यप की सैलरी इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार तकरीबन महीने में 2 से 3 लाख रुपए है। नंबर 5, रजत शर्मा। दोस्तों रजत शर्मा इंडिया टीवी के एडिटर और न्यूज एंकर दोनों हैं। इनका शो आपकी अदालत काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों इनकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष की है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो रजत शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम की डिग्री हासिल की हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये मास मीडिया का एक अहम हिस्सा हैं। दोस्तों इनके शो आपकी अदालत में बहुत मशहूर नेताओं से लेकर अभिनेता तक शिरकत करते हैं। अगर इनकी मंथली सैलरी की बात की जाए तो रिपोर्टों के अनुसार इनकी मंथली सैलरी 13 से 14 लाख रुपए प्रति माह है। नंबर 4, रविश कुमार। दोस्तों रविश कुमार एनडीटीवी न्यूज चैनल के एक जर्नलिस्ट, एंकर व राइटर हैं, जो अधिकतर भारतीय राजनीति से जुड़े हुए विषयों को कवर करते हैं। इसके साथ ही रविश कुमार एनडीटीवी इंडिया न्यूज चैनल के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं। दोस्तों अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी पर मंथ लगभग 18 लाख रुपए के आसपास बनती है। नंबर 3, सुधीर चौधरी। दोस्तों सुधीर चौधरी जी न्यूज इंडिया के एक जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ और साथ ही बिजनेस हेड भी हैं, और हम में से बहुत से लोग इनको जी न्यूज पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर प्राइम टाइम शो डीएनए की वजह से भी जानते हैं। दोस्तों जी न्यूज से जुड़ने से पहले सुधीर चौधरी लाइव इंडिया और एमआई मराठी न्यूज चैनल में एज अ एडिटर भी काम कर चुके हैं। अगर इनकी पर मंथ सैलरी की बात की जाए तो इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार इनकी हर महीने की सैलरी लगभग 25 लाख रुपए के आसपास है। नंबर 2, राजदीप सरदेसाई। दोस्तों राजदीप सरदेसाई एक न्यूज एंकर व एक ऑथर भी हैं, साथ ही वे इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर और होस्ट भी हैं। दोस्तों राजदीप सरदेसाई की मंथली इनकम लगभग 80 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। नंबर 1, अर्नब गोस्वामी। दोस्तों अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही उन्होंने राजीव चंद्रशेखर के साथ रिपब्लिक टीवी को भी सह स्थापित किया था। दोस्तों उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता के एक न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ से की थी। इसके साथ ही वे टाइम नाउ न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ और एंकर भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी हर महीने की सैलरी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। तो दोस्तों मेरा अब आपसे क्वेश्चन यही है कि क्या वास्तव में देश की हर एक मीडिया पेड मीडिया है, या हमारे देश की मीडिया अपना काम बखूबी कर रही है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आप सभी लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों जय हिंद।